लिखा है कि रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती, रब्बा तेरी रात ही खत्म हो गई, कोई रात तो इस तरह की बना के फातिमा का सजदा ही मुकम्मल हो जाए। आप जिस दर पे जाएंगे आपको या सजदा मिलेगा या आपको कुरान मिलेगा। और मैं दुख से कहने लगा हूँ, आपकी और मेरे पास ना सजदा है ना कुरान है, बाकी है सब कुछ, ना सजदा है ना, सजदे से भी भागे हुए कुरान पाक को भी छोड़े हुए। आप जहाँ जाएंगे आपको सजदा मिलेगा, आपको कुरान मिलेगा, आपको सखावत मिलेगी। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला ने माशाल्लाह सारे अपने अपने अंदाज से उनसे अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन नजर जी क्या मज़ा है कि कभी अंदाज भी उन वाला आ जाए नजर जी। और उनका अंदाज क्या था, लिखे जब हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला ने का विशाल हुआ और आपको गुस्ल देने के लिए आपके जिस्म मुबारक से कुर्ता उतारा गया तो आपकी पुश्त पे बाकायदा निशान था, जिसको हम अपनी पंजाबी में चंडी भी कहेंगे। अगर कोई काम बंदा तवातुर से करता रहे ना, वो काम फिर अपना निशान छोड़ जाता है। आपकी पुश्त मुबारक पे निशान था। बातें शुरू हो गई आपस में, भाई ये तो सवारी भी अल्लाह के महबूब के मुबारक कंधों पर किया करते थे, तो इनकी पुश्त पर किस चीज़ का निशान आ गया। जो गुलाम पास खड़े थे उन्होंने कहा, इमाम ने मुझसे वादा लिया था कि कभी मेरा राज ना खोलना, अब अगर राज खोलता हूँ तो जो इमाम साहब से वादा किया वो टूटता है, और अगर राज नहीं खोलता तो पता नहीं तुम्हारे दिल में इमाम पाक के लिए क्या क्या है कि भाई काहे का निशान है। तो फरमाया, मुझे मेरे इमाम की शान व शौकत हर चीज़ से अजीज़ है। सुनो फिर, ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में मेरे इमाम अपने कंधे पर उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते हैं। है हज़रता जी अंदाज़ हमारे पास। आज तो जितनी देर ये मामा कैमरा ना लगे हम तो किसी को एक किलो चीनी देने को तैयार नहीं है। हमारे पास ये अंदाज है। पुत्र सिर्फ नाम ना उनका लो, अंदाज भी उन वाले लाओ हज़र जी। और ये लिखा है किताबों में कि जब हज़रत इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया ना, तो बाद में राज खुला के 100 घरों का खर्चा इमाम पाक अपनी मुबारक जेब से चलाया करते थे। ये पता नहीं ये अंदाज किधर गए, ये चीज़ें उम्मत क्यों भूल गई, पता नहीं ये अंदाज किधर गए। देखा इमाम साहब के एक दोस्त थे, हमारा तो हजरत हाल ही है ना, जैसे जैसे पैसे आते जाते हैं हम दोस्त बदलते जाते हैं, भाई ये लेवल ये नहीं, गरीब रिश्तेदार छोड़ देंगे, गरीब दोस्त छोड़ देंगे, मेरा लेवल नहीं। वो क्या लेवल बदल गया तेरा, क्या अलकरम या गोल अहमद पहनने से तेरा लेवल बोल गया, पहले भी तू पखाना करता था, अब भी तू पखाना ही करता है, क्या बदला है तेरा मियाँ, मेरी समझ से बाहर है, क्या बदला तेरा, पहले भी तेरी आंतों में पखाना था, अब भी पखाना, बस ऊपर पहनने वाला कपड़ा बदल गया, पहले लाई बाजारों पाना था, हूँ जरा गोल अहमद का पा लेंगे, बदला क्या है तेरा, पहले भी तेरे मसाने में पेशाब था, अब भी वही है, पहले भी तू बोलता था तो तेरे मुंह से थूक गिरता था, वो अब भी गिरता है था।